हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्पैरो वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस घोंसले की, जो है इसमें भी जो है इस सीजन में चिड़िया ने अपने अंडे दिए, उसमें से बच्चे इसमें से दोस्तों निकल चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वाला सीजन जो है बहुत ही शानदार गया, अच्छा गया। सभी घोंसलों में जो है चिड़िया ने अपने अंडे दिए हैं और उसमें बच्चे इसमें निकलना स्टार्ट हो गए हैं। बारिश का सीजन चल रहा है दोस्तों, आप देखो मेरे हर वीडियो में एकदम गीला हो रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ बारिश के अंदर। तो दोस्तों इस वाले घोंसले में जो है मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कितने बच्चे हैं। दोस्तों मेरे घर में जो है हर सीजन में है, सभी घोंसलों में जो है चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है, उसमें से बच्चे निकलते हैं। दोस्तों आप भी अपने घरों में ऐसे घोंसले लगाइए, चिड़िया आएगी उसमें अपने अंडे देगी, उसमें से बच्चे निकलेंगे, वातावरण जो है बहुत ही अच्छा रहेगा और इन चिड़िया की जो है बेजवान जानवरों को है अपना घर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपन इस पर चढ़ते हैं, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसमें जो है दिख नहीं रहा सही से, एक मिनट। हाँ ये देखिए इसमें दो बच्चे हैं, नहीं दोस्तों इसमें दो नहीं, इसमें तीन बच्चे हैं। एक की गर्दन पीछे है, दो आगे हैं और इसमें दोस्तों एक अंडा पड़ा हुआ है। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, ऐसा लगता है कि ये एक दो दिन में ही जो है अंडे में से बच्चे निकले हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। और उनको थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये देखो दोस्तों ये जो है बच्चा पीछे और जो बच्चा था वो आगे की तरफ आ गया है। ये देखो एक दो तीन बच्चे हैं और एक अंडा पड़ा हुआ है। तो देखा दोस्तों इसमें जो है चिड़िया के बच्चे हैं। तो दोस्तों मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि ये वाला सीजन जो है जो गर्मियों का बहुत ही अच्छा गया। लगभग सभी घोंसलों में जो है चिड़िया आ गई और इसमें अपने अंडे देकर इसमें बच्चे निकलना शुरू हो गए। दोस्तों आप भी अपने घरों में घोंसले लगाइए और इन बेजवान जानवरों को बचाइए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अपना चैनल काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लेके आता रहता है और ऐसे बेजवान जानवरों को जो हम घोंसले देते रहते हैं। काफ़ी सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, आप भी हमारे साथ जुड़िए और चिड़िया को बचाइए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सेव बर्ड सेव अर्थ।